हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तुलसी जी का पौधा है और कितना हेल्दी पौधा है। अपने आप बीज से ग्रो हो गया है ये, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश होती हुई थी तो तभी तो ये अपने आप ग्रो हो गया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए कितना बड़ा हो गया है, कुछ ही टाइम अभी इसको हुआ है। तो इस वीडियो की मुझसे कई लोगों ने कहा था कि आप तुलसी के पौधे पर वीडियो बनाइए, मेरी तुलसी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में बता सकूँ और इससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आपकी तुलसी के पौधे बच जाएँ ख़राब होने से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जो आता है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ऑल ऑप्शन पर, जिससे कि मैं आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और एक ही बार करना होता है। लाइक शेयर कमेंट आप हर वीडियो पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तुलसी जी का पौधा है और ये अब सीड से अपने आप ग्रो हो गया था। और इसकी जो सीड्स होते हैं वो इसकी, जिसको हम लोग मंजरी कहते हैं, वो होते हैं। तो इसको मैं अभी, इसमें मंजरी नहीं है, मंजरी अभी इसमें कहीं भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बीच में एक बार मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी। तो वही जो हैं वो इसके सीड्स होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एकदम से पौधा मुरझा जाता है या ब्लैक कीड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुरझाने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है, हम इसकी पूजा भी करते हैं तुलसी के पौधे की, और एक ये मेडिसिनल प्लांट भी है। तो हम इसको अपने घर में लगाते हैं और जब हिंदू धर्म में इसको पूजा जाता है और इसमें जल चढ़ाया जाता है, बहुत लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। तो इसमें ये होता है कि जैसे सारे घर के मेंबर हैं वो जल चढ़ा रहे हैं तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, हम लोग अपनी पूजा करते हैं तो पानी ज़्यादा होने से इसकी रूट जो है वो गल जाती है। कुछ लोग पूजा के जल में कुछ शहद है, दूध है और ये चीज़ें जो हैं वो अपने जल में मिला लेते हैं, तो उससे चीनी भी मिला लेते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग चीनी भी डालते हैं, तो उससे इसके रूट्स को नुकसान पहुंचता है और वो पौधा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि ये चीज़ें आप में उसमें तुलसी में ना डालें, क्योंकि उसकी जड़ों में फंगस आ जाती है तो उससे पौधा मर सकता है। आप केवल जल चढ़ाइए, और जल भी इतना, अगर कई लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, थोड़ा सा तुलसी में चढ़ाएं और बाकी अपने किसी और पौधे में आप डाल सकते हैं जल को, उसको बस पैरों में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आप जल का खास तौर पर ध्यान रखें कि जल चढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा ना हो। मिट्टी अपनी वेल ड्रेन बनाएं जिसमें पानी बिल्कुल रुके नहीं। देखिए मेरी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुका हुआ नहीं है, कल शाम मैंने पानी दिया था, अभी आज सुबह सुबह का टाइम है। तो मिट्टी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप पानी डालें और उसके पौधे की जड़ों को मिल जाए और जो है वो पानी उसमें रुके नहीं। तो लोग मिट्टी बनाते समय ध्यान नहीं देते हैं उसको, मिट्टी को जैसे भी मिट्टी हुई उसमें लगा दिया तो ये पौधा चल तो पड़ता है लेकिन फिर इसके मरने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, मुझसे किसी ने पूछा था कि हमारी तुलसी जी में काले कीड़े हो गए हैं, तो काले कीड़ों के लिए मैं बताऊं आपके, अगर गोबर की खाद जो है वो आप जनरली लोग गोबर की खाद ही मिलाते हैं इसमें, तो गोबर की खाद में जो है वो वेल अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, डिकम्पोज हुई भी, तो डिकम्पोज वाली खाद लीजिए आप। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप वो गोबर की खाद ना लें, फिर आप तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं उसमें, अपने घर की बनी हुई किचन वेस्ट की खाद डाल सकते हैं। तो कुछ मुझसे किसी ने ये भी कहा था कि मेरे घर में जो मेरे बड़ी हैं, सासू माँ हैं, वो मुझे गोबर की खाद नहीं डालने देती हैं, कि गोबर की खाद तो उसी में नहीं।
डालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गोबर की भी हम लोग कंडे उपले हैं और उसकी उससे हम अग्यारी करते हैं। तो गोबर की खाद तुलसी में डालने में कोई बुराई नहीं है, आप गोबर की खाद अच्छे से डिकम्पोज हुई भी डाल सकते हैं उसमें। तो अगर कच्ची खाद होती है तो कच्ची खाद से उसमें कीड़े हो जाते हैं पैदा, अपने आप ही अपने आप काले रंग के कीड़े हो जाते हैं, तो वो जो है वो हमारे पौधे को नुकसान करते हैं। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अपनी तुलसी जी में, और नहीं तो उसकी गुड़ाई करके उसमें मिट्टी में भी थोड़ी सी राख डाल दीजिए और अपने पौधे पर भी थोड़ी सी राख डाल दीजिए, तो स्प्रिंकल कर दीजिए तो वो कीड़े भाग जाते हैं। और धूप में रखिए इसको, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है और आप इसको इसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों टाइम इसको अगर पानी दिया जाएगा तो ये चलता रहेगा। मेरे यहाँ अब की बार ग्रीन नेट नहीं लगी है, लेकिन फिर और ये धूप में ही पड़ा हुआ है, देखिए तब भी कितना अच्छा हेल्दी है, कोई पत्ते इसके सूखे हुए नहीं है, ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं इसके सारे। दोनों टाइम इसको पानी देती हूँ, लेकिन पानी बस इतना ही कि इसकी जड़ों को अच्छे से मिल जाए और रुके नहीं। तो इसको वैसे तो धूप में रख सकते हैं, लेकिन बस इतना ही पानी का ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, सूखे नहीं बिल्कुल, वरना पौधा सूख ही जाएगा। तो दोनों ही बातें हैं, अगर पानी ज़्यादा होगा तब भी आपका पौधा मरेगा और पानी कम होगा तब भी आपका पौधा मरेगा, तो इस बात का ख्याल रखना है, पानी का बैलेंस बना के रखना है। कभी कभी इसको थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड जो आप बनाते हैं खाद, गोबर के पानी गोबर की खाद का लिक्विड, वो आप इसको दे सकते हैं, ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है। जड़ों में ही डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है इसके, अपने आप सूख जाता है बिल्कुल, लेकिन फिर थोड़ी सी मौसम गर्म होता है तो ये चल पड़ता है। अब बरसात में तो इसके बहुत सारे पौधे निकल आएंगे, तो अभी तो आप इसकी मंजरी को तोड़ते ही रहिए और अपने घर में लगाइए। मेरे घर में इसके कई प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट है, और आजकल कोरोना में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाय में डालिए आप और काढ़े में भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके प्लांट्स अपने घर में लगाइए, और मुझे लगता है कि मैंने आपकी आपको इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी थी मैंने दे दी है। मैं तो इसकी कुछ खास केयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहता है, कुछ लोगों के नहीं चल रहा है, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है बताने की। आशा है आप लोगों को जो है वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। तो ये देखिए मधुमक्खियाँ किस तरीके से आ रही हैं, देखिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।